नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र द्रव, आप देख रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टेप्स चैनल। दोस्तों, फाइनली आरबीआई ने चेक से धोखाधड़ी इशू को लेकर के अपना निर्णय ले ही लिया है। और दोस्तों, इस निर्णय से बहुत सारा चेक से रिलेटेड फर्जी जितना भी होता था धोखाधड़ी का मामला, वो काफी हद तक कम होने वाला है। तो इस वीडियो में क्या है खास, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम का नियम लागू किया हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है। और इस नियम के मुताबिक अगर आप किसी को चेक 50,000 से ऊपर का अमाउंट का इशू करते हैं, तो आप इस नियम के अंतर्गत आ सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन आपको अपने बैंक को SMS के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से देना होगा। चूंकि आप चेक तो किसी को ड्रॉ करके दे देते हैं, लेकिन आप किसको देते हैं, कहाँ, मतलब किस पर्पज़ के लिए दिए हैं, आपको उतना ज़्यादा ख्याल नहीं होता है। लेकिन अगर आप बैंक को नोटिफाई कर देंगे, तो बैंक इस मामले से सारा अपना देख रेख करेगी। और इस नियम के अनुसार अगर आप 5,00,000 से ऊपर का अमाउंट चेक इशू करके ड्रॉ करके देते हैं किसी को, तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि ये पॉजिटिव पे सिस्टम के अंतर्गत लागू होगा ही होगा। और उससे नीचे अगर इशू करके देते हैं, यानी कि 4,90,000 कुछ करके, तो इसमें आपको नहीं लेना होगा, ये मैंडेटरी नहीं है। तो इस वीडियो में यही था, फिर मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।